वादे मखालफ से ना घबराया इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तुसाना मेज़बान श्याम कश्मीरी, ते तुसा तक्की रहे हो मीरपुर प्लस। नाजरीन, इस वेले मैं मौजूद हाँ वार्ड नंबर 4 सैक्टर B5 कलियाल विच, ते मेरे नाल इस टाइम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राजा आज़ाद हुसैन मरहूम ने बेटे हाफज अली आज़ाद साहब, जेडे आज़ाद उम्मीदवार की हसीयत नाल सैक्टर B5 वार्ड नंबर 4 विच इलेक्शन विच खलोते हैं। तो आओ इन्हों को पूछने कि तुसा इलेक्शन विच हिस्सा क्यों लिया, तो तुसाना क्या मंशूर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहला तो यह दसो असा कि तुसा इलेक्शन विच क्यों आए? सब तो पहला जनाब सुहाना सियाम साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो आए हो इंटरव्यू लैन लगे हो मेरे को, बहुत मेहरबानी। असा इलेक्शन विच तो आया कि पिछले 15 साल तो मैं तकी रहा, 29 साल मेरी उम्र है, कि जितने भी सियासी जमात ना कल्याल नहीं कल्याल ने जो वोटर सपोर्टर आवाम इन्होंने भरपूर इस्तेहसाल किया, इन्हों लोग वोट तो असू ले लेने, लेकिन असाने जितने नौजवान मेरे भ्रा ना एक बंदे की ये भर्ती नहीं कराई सके कल्याल विच। अगर इक्का दुका 15 साल नहीं ना बंदा भर्ती कराया तो वह भी कच्चा डाक पर उसकी किसी टाइम गोरमेंट फारग कर सकने। तो मेरा बेसिक आमने ना मकसद यह है कि इस आवाम की इसने हकूक दिलाए जा। अच्छा तुसा ये दसो असा कि भी तुसाने अपनी वार्ड विच अपने सैक्टर विच जड़े बड़े बड़े मसाइल हैं जड़े अजे तक हल नहीं हुए, वो केड़े केड़े मसाइल हैं? बड़े मसाइल माशाल्लाह कल्याल तुसा तकिया कल्याल सारा हर हर चीज हर लिहाज नाल ठीक लग रहा, लेकिन बुनियादी मसले यही हैं, नौकरियां नहीं लग रही, वोटर की वो इज्जत नहीं लग रही, आवाम नाल वो प्यार नहीं है इन्हों, ये वोट लेकर 5 साल बाद गैप हो जाए, 5 साल बाद फिर आने फिर आवाम की लाली पाप देने प्यार चक्कर फसाने, उस तो बाद जना वोट लेकर फिर 5 साल बाद गैप हो जाए। तो यह कसूर इन्होंने लीडर ना भी नहीं, असा नहीं आवाम भी भोली है बेचारी फसी जानी इन्होंने चक्कर सारे मामलात करी गए। अच्छा तुसा ये दसो कि तुसा किसी पार्टी ने टिकट भी ले सकने, सो मतलब PTI है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, इस तरह कोई और पार्टी है, तो उसने टिकट तो भी लड़ सकने, सो फिर तुसा आज़ाद उम्मीदवार लड़ने तौर पर फैसला क्यों किया? आज़ाद उम्मीदवार तो मैं आया वा क्योंकि मेरे इलाके ने जो वोटर ना जितने भी हैं इन्हें ऐसी वे अगर तू आज़ाद हैसीयत इलेक्शन लड़ सें आफस तो वोट दे सा, जे पार्टी ने किसी ने टिकट लैसे फिर वोट ना असं दे सकने तेन सोरी करने है। मैं हाँ जी मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ सा सारे, मैं वोटा गर्ज है, आवाम प्यार गर्ज है, मैं ना सियासी जमात न किसी गर्ज है, ना किसी सियासी बंदे किसी बड़े जड़े लीडर होने उन्होंने गर्ज है, आवाम ने प्यार नहीं मैं जरूरत है। तो इलाके ने जड़े ना सारे लोग अहले महला जड़े नौजवान की आदत वो तुसाने नाल है, फुल सपोर्ट हो रही हो सी? अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला, जो मैं घरों निकलिया सा तो 7 वोट लेकर निकलिया सा, अज माशाल्लाह मेरे वोट मैनू यकीन है, मैनू दिल है अल्लाह पर यकीन है, सब तो पहला अल्लाह पर फिर उस तो बाद इन्होंने वोटरों पर कि 200+ इस टाइम मेरे नाल वोटर है, ठीक है, और नौजवान अलहमदुल्ला ऑलरेडी मेरे नाल तैयार हैं, मैंने खिलाई नौजवाना में महल ने 5-7 लड़के ऐसे ने उन्होंने मैंने नाल लेकर खिलाया, उन्हें तू वैसे भी गरीबों ने बारे सोचना है गल्ला करना है, दिल ही तेरे प्यार है गरीब ना, तो इलेक्शन खलो बार बे के दिन ना मदद होनी, इख्तियार आपसन मामलात कर सें तो इंशाल्लाह गरीब की मदद आसानी ना ले सकनी है, तो ये मैनू नौजवान ही खिलाया वै इस इलेक्शन, तुसा पूरी उम्मीद हो कि इंशाल्लाह तुसा जड़ा इलेक्शन भरपूर तरीके नाल जड़ा बारी अक्सरियत नाल जीतोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी की रुमान ना आया कोई भी कैंडिडेट माशाल्लाह मेरे इलाके मैनू मिलाई के 5 कैंडिडेट हैं सब सारे जड़े ना काबिले एहतराम मेरे वास्ते, मैं किसी की इलेक्शन रुमान ना आया, मैं खुद जितने वास्ते आया वहाँ और आवाम ने कम कराने वास्ते आया वहाँ और अल्लाह ने फजल करम नाल बेहतर रिजल्ट निकल सी। तो तुसा इलेक्शन जीत के सब तो पहला अपने इलाके ना केड़ा जड़ा बुनियादी मसला तुसा हल कर सो? सब तो पहला बुनियादी मसला यही है कि जो नौकरियां नहीं लग रही, ये है कौंसलर ने खाते च कम आना नहीं नौकरियां लैन दवाना या किसी की भर्ती कराना, लेकिन मैं मेरे जहन में ये गल फिर नहीं रहनी है, कोई तको नौजवान असं पढ़ने हैं, मेरे भ्रा जितने भी हैं नौजवान पढ़ने हैं, स्कूल जाने कॉलेज जाने मेहनत करने बाद चो असं नौकरियां नहीं लगनी, मतलब तुसा आना चाहते हो भी जी नौजवान की आदत है उसकी अगे लैके नौजवान की अगे आंसर असा माशरा ठीक हो सी, तुसा अपनी जरा तकने वाले की अगर पैगाम दोगे? मैं पैगाम ये देना चाहना आवाम की सारी की कि सब तो पहला मेरिया मावं भैन बजुर्ग भ्रा जितने ये मेरे वास्ते अल्लाह ने बारगाह दुआ करन, अल्लाह पाक मैनू कामयाब करन, दुआ है कि
अपने जमीनी आवाज़ ने मुताबिक वोट दे। नवे बंदे की अगर आनो नवा बंदा अगर आपसी इंशाल्लाह सुने काम करवा सी कंपटीशन हो सी तो इंशाल्लाह इसना फ़ायदा बराह रास्त आवाम की हो सी। तो आवाम अगर यही मेरा पैगाम है कि मेरे वास्ते दुआ करो मैनू वोट दियो और मेरा इंतखाबी निशान छतरी है। छतरी पर मोहर लाओ 27 नवंबर की छतरी पर मोहर लगाओ और ठका ठक मोहर लाओ। निशान नहीं लाना छतरी पर मोहर लाओ। बहुत